हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के स्टूडियो में हम देखने वाले 10 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स फिर से एक बार प्रीव्यू करके दिखाऊंगा मैं आरआर वर्सेस आरसीबी के बीच के मैच की, मतलब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच के मैच की। जैसे कि मैंने मैच को हाईलाइट करके दिखा दिया था, उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। और अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई तो भी कोई बात नहीं, नीचे भी क्रिएट अ टीम का ऑप्शन मिलता है, माय टीम पर जाके भी आप क्रिएट अ टीम कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मल्टीपल्स टीम बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, और देख सकते हैं मैं ऑलरेडी 10 टीम्स वहाँ पे बना के रख चुका हूँ, जिसे मैं माय टीम पर क्लिक करके एक एक करके सभी टीमें प्रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, किस किस को लेना है, किस किस को नहीं लेना, और कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचते, शुरू करते हैं वीडियो को। पहली टीम को आपको एडिट करके प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जॉस बटलर और संजू सैमसन, इन दोनों में से किसी एक को भी ड्रॉप करना काफ़ी रिस्की है, तो इसीलिए पहली टीम में मैं इन दोनों को साथ में रखने वाला हूँ। उसके बाद विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, हेटमायर, जयसवाल, चारों ज़बरदस्त अच्छे खासे बल्लेबाज हैं दोस्तों, और चारों काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आर अश्विन, मैक्सवेल, हसरंगा, तीनों ऑलराउंडर, लास्ट मैच में हसरंगा ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, तो इसीलिए इनको भी इस टीम में मैं ज़रूर शामिल करूंगा। मतलब तीन ऑलराउंडर आपके पास रहने वाले, तीन ऐसे प्लेयर जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छा करके दे सकते हैं। इसके अलावा यजुवेंद्र चहल काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि पिछले एक दो मैचेस से इनको विकेट नहीं मिल रहे, विकेट लेस गए हैं, लेकिन काफ़ी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा है इस आईपीएल में। यहाँ पर ये टीम देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बनी है, कोई रिस्क की प्लेयर यहाँ पर नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त आपको पॉइंट दे सकती है। इस टीम का कैप्टन ऑफकोर्स लास्ट मैच में 98 रन बनाए, मतलब उन्होंने 12 गेंदों में 50 भी बनाई, इस रिकॉर्ड भी बनाया, तो जयसवाल को कैप्टन, तो वही फाफ डुप्लेसिस भी हर मैच में ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो इसीलिए इनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहे तो उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं, फाफ डुप्लेसिस को कैप्टन, जयसवाल को वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से रखूँगा, अगर आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं। कुल मिला के ज़बरदस्त टीम है, तो ग्रैंड लीग, बड़ी लीग या स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए फिट बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज़ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टीम को क्लोज करते हैं, दूसरी टीम देख लेते हैं। दूसरी टीम की बात करूँ तो दिनेश कार्तिक को भी मैं एक हाथ टीम में ज़रूर ले लूँगा, उसके बाद बटलर और संजू सैमसन तो है ही मेरे पास, इसके बाद यहाँ पर हेटमायर को मैंने ड्रॉप कर दिया है, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और जयसवाल, इन तीनों में से आप गलती से भी किसी को ड्रॉप मत कीजिएगा, चाहे अच्छा परफॉर्मेंस करे ना करे पर इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। उसके बाद आर अश्विन, मैक्सवेल और हसरंगा, फिर से तीनों ऑलराउंडर मेरे पास रहने वाले, लेकिन गेंदबाजी में मैंने चेंजेस किए, ट्रेंट बोल्ट ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, संदीप शर्मा काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को भी इस टीम में मैं शामिल कर ले रहा हूँ। हाँ, चहल मुझे ड्रॉप करने पड़े हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा भी बुरे गेंदबाज नहीं है दोस्तों, अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट इनको भी मिल जाती है। इस टीम को काफ़ी बढ़िया है, तो इस टीम को मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा एज ए कैप्टन, और संजू सैमसन को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोनों मतलब संजू सैमसन भी पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, विराट कोहली के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है भी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। फिर से यहाँ पर अगर आप उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं, सैमसन को कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन, लेकिन कोहली की कंसिस्टेंसी सैमसंग से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए इनको ही कैप्टन मैं रखूँगा, अगर आप चेंज करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। फिर से ये टीम भी ग्रैंड लीग, बड़ी लीग या स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करता हूँ, तीसरी टीम दिखा देता हूँ। तीसरी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ जॉस बटलर को रखूँगा मैं, संजू सैमसन को नहीं, दिनेश कार्तिक को नहीं, दोनों को ड्रॉप कर दूंगा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, लोमरोर, जा दोस्तों लोमरोर को भी कहीं ना कहीं लेना काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जयसवाल फिर से रहेंगे दोस्तों, तो चार बल्लेबाज मेरे पास इस बार रहने वाले हैं, और ये चारों बेस्ट गेंद बल्लेबाज है। उसके बाद अश्विन, मैक्सवेल और हसरंगा, फिर से तीनों ऑलराउंडर रखने वाला हूँ मैं इस टीम में, लेकिन जैसे कि आपको देखा है कि आप मैंने बटलर को अकेले को लिया है, इसकी वजह से मेरे पास ऑप्शन बन गए हैं, यहाँ पर चहल को वापस लूँगा, ट्रेड बोल्ट रखूँगा और मोहम्मद सिराज को भी इस टीम में ज़रूर रखूँगा। मतलब तीन ऐसे गेंदबाज दो जो कि काफ़ी बढ़िया विकेटें लेके दे सकते हैं आपको, और काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट लेके दे सकते हैं, तो इसीलिए इन तीनों को साथ में लेना भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ऑफकोर्स फाफ डुप्लेसिस जिस तरह के फॉर्म में है, तो उनको कैप्टन न बनाया जाए ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इनको कैप्टन में ज़रूर बनाऊँगा, और इनके साथ
चहल भी काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं और विकटे लेते हैं। लास्ट मैच में भी मेरे ख्याल से 4 विकटे ली थी इन्होंने, तो इनको वाइस कैप्टन बनाऊंगा। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर दोनों उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फाफ डुप्लेसी ज़्यादा बेहतर रहेंगे एज अ कैप्टन। कुल मिला के अच्छी खासी टीम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अगर हटके सोचा जाए तो ये टीम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ करने में वैसे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, फिर भी आप सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, इस टीम को भी क्लोज करते हैं और चौथी टीम देख लेते हैं किस तरह से बनाई है। चौथी टीम की बात करूँ तो संजू सैमसंग रहेंगे मेरे पास, उसके बाद विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, जयसवाल, तीनों ही मैं इस टीम में रखने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद मैक्सवेल और हसरंगा, दो ही ऑलराउंडर रखने वाला हूँ। अश्विन को मैंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन इस वजह से मेरे पास एक और अलग टीम तैयार हो गई है दोस्तों। यजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, वी वैशाख कुमार और मोहम्मद सिराज, इस तरह से जो 5 सबसे ज़्यादा विकेट ले सकते हैं, ये 5 गेंदबाज इस टीम में बन गए हैं मेरे पास। इसीलिए यहाँ पर ये भी टीम काफ़ी ख़तरनाक बनी है। मतलब हर टीम में ज़रूरी नहीं कि मैं बल्लेबाजों को ही ज़्यादा प्रेफर करूँ और या फिर ऑलराउंडर्स को ही ज़्यादा प्रेफर करूँ, गेंदबाजों को भी कभी कभी आपको ग्रैंड लीग या बड़ी लीग जिता के दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस बार 5 गेंदबाजों को मैंने शामिल कर लिया। यहाँ पर मैं इस टीम का कैप्टन संजू सैमसंग को, तो मैक्सवेल को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोनों अच्छे खासे खेल रहे हैं और दोनों ने लास्ट मैच में अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इसीलिए दोनों के साथ जाना काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। फिर से अगर कहूँ कि यहाँ पर उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब मैक्सवेल को कैप्टन और संजू सैमसंग को वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं। वैसा करना चाहे तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से रखूँगा। कुल मिला के ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है, ग्रैंड लीग, बड़ी लीग या स्मॉल लीग किसी भी लीग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे लग रहा है। हाँ, बटलर को मैंने ड्रॉप किया है, तो थोड़े अगर आप रिस्क पकड़ना चाहे तो आप स्मॉल लीग के लिए ना भी यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए 100% यूज़ कीजिएगा। वैसे तो इस टीम को भी क्लोज करते, 5वीं टीम देख लेते किस तरह से मैंने बनाई है। 5वीं टीम में बटलर और संजू सैमसंग फिर से दोनों मेरे पास रहने वाले। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, जयसवाल, इन तीनों में से तो मैं किसी को भी ड्रॉप ना ही करूं। उसके बाद आर अश्विन और मैक्सवेल को रखूंगा। हसरंगा को मैंने इस टीम से ड्रॉप किया है। इसके बाद गेंदबाजी में जोस हेजलवुड, यजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और हर्षल पटेल। मतलब कुछ गेंदबाज यहाँ पर जोस हेजलवुड और हर्षल पटेल को अभी तक मैंने एक भी टीम में नहीं लिया था, लेकिन इस टीम में मैं ज़रूर इन दोनों के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये दोनों भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है। हालाँकि अभी तक इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास तो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कल के मैच में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करें, तो इसीलिए इन दोनों को ज़रूर मैं 1-2 टीमों में ज़रूर शामिल करूँगा। कुल मिला के ये भी टीम काफ़ी अलग और हटके है। इस टीम का कैप्टन मैक्सवेल को बनाऊंगा, तो यशस्वी जयसवाल को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। मैक्सवेल बैटिंग भी अच्छी की थी लास्ट मैच में और ज़रूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर लेते हैं, विकटें मिल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर इनको भी कैप्टन बनाना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके साथ साथ सबसे बढ़िया फॉर्म में राजस्थान रॉयल्स के जो ओपनर यशस्वी जयसवाल को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। फिर भी आप किसी और को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना चाहे तो ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन ये जोड़ी भी काफ़ी शानदार साबित हो सकती है। चले दोस्तों, ये टीम भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए यूज़ कीजिएगा। स्मॉल लीग के लिए मुझे नहीं लगता ये टीम अच्छी है, फिर भी आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। चले दोस्तों, 5वीं टीम हो चुकी है, 6ठी टीम की बात कर लेते हैं। 6ठी टीम में मैं यहाँ पर देख सकते हैं बटलर और संजू सैमसंग को फिर से ले रहा हूँ। उसके बाद विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, जो रूट को अभी तक एक भी टीम में नहीं लिया था यहाँ पे ले लूँगा, और यशस्वी जयसवाल। जो रूट भी हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा अगर विकटें गिर जाते तो जो रूट यहाँ पर संभाल लेंगे और अच्छी पारी खेल सकते हैं, तो इसीलिए 1-8 टीम में इनको भी ज़रूर लीजिएगा। आर अश्विन, मैक्सवेल और हसरंगा फिर से तीनों ऑलराउंडर मेरे पास रहने वाले, और गेंदबाजी में जो सेजलवुड और इस तरह से दो अलग गेंदबाज यहाँ पर लूँगा। मतलब यहाँ पर हेजलवुड और चहल को साथ में मैंने नहीं लिया था शायद, तो अभी तो इन दोनों को साथ में भी ले लूँगा। इस टीम का कैप्टन मैं ऑफकोर्स वन एंड ओनली विराट कोहली को बनाऊंगा और फाफ डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोस्तों, आपको याद है जितने भी अच्छे मतलब जितने भी रन बने हैं RCB मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, उसमें से मेरे ख्याल से 50-60% रन विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की ओपनिंग जोड़ी ने ही बनाए, तो क्यों ना हम ओपनिंग जोड़ी को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दे। हाँ, सिर्फ इतना यहाँ पर आपका मतलब मेरा अगर आप सोचना है तो मैं विराट कोहली को कैप्टन बनाऊंगा, फाफ डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि फाफ डुप्लेसिस ज़्यादा बेहतर है एज ए कैप्टन, तो आप उनको कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाएं, लेकिन इस जोड़ी को कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़रूर बनाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं विराट कोहली को इसीलिए कैप्टन बना रहा हूँ क्योंकि फाफ डुप्लेसिस को काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं एज ए कैप्टन,
लेकिन विराट कोहली को भी मतलब अच्छे खासे परसेंटेज है, लेकिन फाफ डुप्लेसिस से थोड़े कम ही होंगे। तो यहाँ पर अगर विराट कोहली ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं और आप उनको कैप्टन और डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन बनाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, आप ग्रैंड लीग 100% जीत सकते हैं या फिर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उल्टा किया है, फिर भी आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा अगर आप उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं, डुप्लेसिस को कैप्टन और कोहली को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑफकोर्स ये टीम तो ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के काबिल तो है ही दोस्तों, लेकिन स्मॉल लीग के लिए भी इतनी बुरी नहीं है, आप ज़रूर यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस टीम को भी क्लोज करते हैं, सातवीं टीम देख लेते हैं। सातवीं टीम की बात करूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बटलर को फिर से ले रहा हूँ, संजू सैमसन को फिर से ले रहा हूँ, बल्लेबाजी में विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, लोमरोर को फिर से ले रहा हूँ, जयसवाल, तो ये चार बेस्ट बल्लेबाज भी मेरे पास रहने वाले, आर अश्विन, मैक्सवेल और हसरंगा, तीन अच्छे खासे ऑलराउंडर भी मेरे पास रहने वाले, और ट्रेंट बोल्ट और वी वैशाख। यहाँ पर थोड़ा अलग सोचा है मैंने, यहाँ पर चहल को भी मैंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये दोनों अलग गेंदबाज है दोस्तों, अगर ये वैशाख भी अगर सक्सेस हो जाते तो आपको काफ़ी फ़ायदा करा के दे सकते हैं, काफ़ी कम लोग इन पर भरोसा करेंगे, तो इसीलिए मैं इनको ज़रूर इस टीम में शामिल करूँगा। ऑफकोर्स बटलर को कैप्टन बना रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, फिर से वही, यहाँ पर आपको बताऊँ जैसे आरसीबी के लिए ओपनिंग जोड़ी सबसे बेस्ट है, वही यहाँ पर राजस्थान के लिए भी ओपनिंग जोड़ी ने काफ़ी कुछ कमाल किया है, तो वही इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना साथ में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक बात फ़र्क इतना है कि यहाँ पर बटलर ने अभी तक कम परफॉर्मेंस किया है, जायसवाल ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो इसीलिए आप सोचेंगे कि जायसवाल को कैप्टन बनाए, मैं सोच रहा हूँ बटलर को कैप्टन बनाऊँ, जायसवाल को वाइस कैप्टन बनाऊँ, क्योंकि दोस्तों वैसे ही कहूँगा मैं, बटलर पर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करेंगे, जायसवाल पर ज़्यादा लोग भरोसा करेंगे, और बटलर अगर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाते तो आपको ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तो इसीलिए मैंने इस तरह से किया है। तो अगर आप चाहे तो उल्टा भी करना चाहे तो कर सकते हैं, जायसवाल को कैप्टन और बटलर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। चले दोस्तों, इस टीम को भी ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के साथ साथ स्मॉल लीग के लिए भी यूज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, फिर भी आप सोच समझ के यूज कीजिए। इस टीम को क्लोज करते हैं और आठवीं टीम किस तरह से बनाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आठवीं टीम में मैं बटलर, संजू सैमसंग और अनुज रावत, इन तीनों को साथ में लूँगा, अनुज रावत भी हो सकता है कल की मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करे, तो इसीलिए इनको भी यहाँ पर एक आठ टीम में ज़रूर लूँगा। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, जायसवाल, तीन अच्छे खासे बैट्समैन, अश्विन, मैक्सवेल, हसरंगा, इन तीनों में भी एक हाथ को ड्रॉप करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से तीनों का रखूँगा। यजवेंद्र चहल और सिराज, यहाँ पर दोनों बेस्ट गेंदबाजों को फिर से इस टीम में रखूँगा, तो काफ़ी अलग और हटके टीम है लेकिन उतनी ही कमाल की टीम है, जो जितनी के आपको काफ़ी फ़ायदा करा सकती है, ग्रैंड लीग या बड़ी लीग भी जिता सकती है। तो ऑफकोर्स ग्रैंड लीग, बड़ी लीग या बड़ी लीग के लिए तो ज़रूर यूज कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए मुझे नहीं लगता ये टीम यूज करने में करनी चाहिए। यहाँ पर मैं इस टीम का कैप्टन चहल को बना रहा हूँ, हसरंगा को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, क्योंकि चहल अगर फिर से दो तीन चार विकेट ले लेते तो कैप्टन बनाना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। तो वही हसरंगा भी पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, तो इसीलिए वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, ये भी अगर कुछ विकते और कुछ रन बना देते तो काफ़ी फायदे हो सकता है, ग्रैंड लीग जिता सकती है ये टीम भी आपको। चलिए दोस्तों, इस टीम को भी क्लोज करता हूँ, नौवीं टीम दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने बनाई है। दोस्तों यहाँ पर बटलर और संजू सैमसंग फिर से रहेंगे, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, शेमरॉन हेटमायर, लोमरोर, यशस्वी जायसवाल, मतलब अभी तक मैंने शायद ही एक आध टीम में पांच बल्लेबाजों को लिया होगा, इस बार जरूर ले लूँगा दोस्तों, जिसकी वजह से मेरे पास मैक्सवेल अकेले ऑलराउंडर में रहेंगे, ना ही अश्विन को मैंने लिया है और ना ही मैं यहाँ पर हसरंगा को ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पाँच बल्लेबाज जो ऐसे लिए मैंने कि अगर ये अगर अच्छा कर जाते हैं तो एक ही एक एक बल्लेबाज ऐसा है कि अपने अकेले के दम पे मैच जिता सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पांच बल्लेबाजों के साथ भी जा रहा हूँ। यहाँ पर यजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और मोहम्मद सिराज, तीन गेंदबाज मेरे पास रहेंगे, तो कुल मिला के ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोमरोर को इस टीम का कैप्टन और हेटमायर को इस टीम का वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, दोनों अच्छे खासे बैट्समैन है, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों को भी कहीं ना कहीं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा, थोड़ा रिस्की रहेगा लेकिन अगर ये रिस्क सही पड़ जाती है तो ग्रैंड लीग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं, हेटमायर को कैप्टन, लोमरोर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन लोमरोर को थोड़ी जल्दी बल्लेबाजी आ जाती है, हेटमायर को थोड़ी लेट आती है, तो फिर भी अगर फिर आप उल्टा करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। इस टीम को मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग या बड़ी लीगों के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा।
तो चलिए दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते हैं और 10वीं टीम देख लेते हैं और आखिरी टीम किस तरह से बनाई वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर बटलर और संजू सैमसन फिर से रहेंगे मेरे पास। यहाँ पर विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, जो रूट, यशस्वी जायसवाल और डी जुरेल को भी एक आध टीम में जरूर रखेगा। ज़्यादा टीमों में मतलब लेने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप रखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इस टीम में ज़रूर रखूँगा। उसके बाद मैक्सवेल और हसरंगा दो ही ऑलराउंडर रहेंगे, यजवेंद्र चहल और ट्रेट बोल्ट दो ही गेंदबाज रहेंगे। दोस्तों मैंने अभी तक मतलब ये 10वीं टीम है अभी तक सभी ऐसे ऑप्शन दे दिए दोस्तों, हर वो ऑप्शन देना चाहता हूँ जिससे आप ग्रैंड लीग जीत सके, इसीलिए मैं काफ़ी अलग अलग टीमें बना के देता हूँ आपको। और दोस्तों साथ ही साथ सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ट्राई कर दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है, किस मतलब क्यों मैंने ऐसा किया है। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, विराट कोहली को कैप्टन और बटलर को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। मुझे लगता है कल ये जोड़ी काफ़ी कमाल करने वाली है, अगर आप चाहे तो किसी और को भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जोड़ी आप ज़रूर एक बार कैप्टन और वाइस कैप्टन लगाएगा, काफ़ी फ़ायदा करा के दे सकती है, आपको ग्रैंड लीग भी जिता सकती है या फिर अच्छी खासी अर्निंग तो फिक्स करा के दे सकती है। यहाँ पर उल्टा करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं, मतलब बटलर को कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन, लेकिन मैं अगर सोचूँ तो इसी तरह से रखूँगा। हाँ अगर एक बात कहूँ, डी जुरेल की जगह पर अगर आप किसी और को लेना चाहे तो ले सकते हैं, जो रूट को भी अगर नहीं लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये सब प्लेयर है ना दोस्तों एक एक दो दो टीमों में लेके रखिए, अगर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाते तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और अगर नहीं भी करते तो आपको पैसे तो रिटर्न होने वाले। तो आई होप काफ़ी बढ़िया टीम है, आप सबको मेरी सभी टीमें मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और मैं आशा करता हूँ ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ चैनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ और आपको अच्छे से अर्निंग कराता रहूँ। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिव होऊंगा और आपको और भी अच्छी अच्छी टीमें दूंगा। तो टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे जाके उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, ताकि कुछ भी चेंजेस रहते हैं प्लेइंग 11 में तो उसके भी बारे में बता सकता हूँ। दो तीन और टीमों के स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट कौन कौन है उसके भी स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आई होप आप वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।